अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसीबुर रहमान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिक्स फोटेनमेंट। दोस्तों, आज मैं जिस फ़ोन का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूं वो है इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन S3X, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और Daraz.pk इस फ़ोन को जो है वो एक्सक्लूसिवली सेल कर रही है। दोस्तों, मैं आज आपको इस फ़ोन के बारे में कुछ बहुत ही डीप इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जिससे आपको पता लगेगा कि ये फ़ोन ख़रीदने के काबिल है या नहीं। चलिए दोस्तों, अपने रिव्यू को शुरू करते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इनफिनिक्स S3X का रिव्यू करने जा रहा हूं आपके लिए और आपको बताऊंगा कि आपका ये फ़ोन ख़रीदने के काबिल है या नहीं, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसके फ़ीचर्स क्या हैं और बहुत कुछ। तो काइंडली मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी इस फ़ोन के बारे में क्या राय हैं। तो चलिए दोस्तों, इस फ़ोन को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इसका लुक है और मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। इतने ये स्टार्ट हो जाता है, इतने में आपको बता देता हूँ कि इस के साथ जो बॉक्स मुझे मिला है उसके अंदर क्या क्या एक्सेसरीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें जो मुझे मिली हैं। जी दोस्तों, ये बॉक्स है इसका, आप देख सकते हैं S3X का इन्फिनिक्स की तरफ से, और आप ये भी देख सकते हैं कि ये 64 GB का फ़ोन है और 4 GB इसकी रैम है। जो मेन बोल्ड फीचर्स इसके हैं वो आप यहाँ पर डब्बे पर देख सकते हैं। 6.2 की इसकी फुल व्यू डिस्प्ले है और AI सेल्फी सपोर्ट है, ड्यूल रियर कैम है, फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट दोनों लॉक्स इसमें मौजूद हैं। 4000 इसकी mAh की बैटरी है, जो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है इस फ़ोन को आगे बढ़ाने के लिए। और क्वालकॉम का प्रोसेसर है इसके अंदर, स्नैपड्रैगन का। तो चलिए इस बॉक्स को खोलते हैं। जी दोस्तों, इस बॉक्स के अंदर जो मुझे चीज़ें मिली थी उसमें है जी ये सिलिकॉन कवर, जो कि बहुत प्यारा ब्लैक कलर सा लुक दे रहा है। और इसकी एक ख़ास बात यह कि ये जल्दी पीला भी नहीं होता और काफ़ी देर तक चलता है। उसके बाद हमें मिले थे इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर, इसकी गाइड और कस्टमर कॉपी, इन्फिनिक्स का सर्विस कार्ड, ये आप देख सकते हैं। ये एक प्रोटेक्टर था और एक बूफर हैंड फ्री और ये चार्जर, जो मैं पहले ही इस्तेमाल कर चुका हूँ क्योंकि मैंने रिव्यू बनाना था। इस पर आप देख सकते हैं कि ये 5.0 वोल्ट का चार्जर है, जो कि 2 एम्पेयर पर है और ये आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी देगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि बैटरी के हिसाब से ये फ़ोन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फ़ोन भी स्टार्ट हो गया है तो हम अपने इन चीज़ों को समेट कर फ़ोन के रिव्यू पर आते हैं। जी दोस्तों, चूँकि मैंने ये सेट पहले ही सेटअप कर लिया है, ये हमारी इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग आ गई है इसके ऊपर, हमिंग बर्ड, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम XOS का है। जी दोस्तों, ये हमारे पास मोबाइल फ़ोन ऑन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसका डिस्प्ले कितना बेहतरीन और हाई क्वालिटी का है।
6.2 इंचेस की इसकी स्क्रीन है और ये फुल एचडी तो नहीं है लेकिन एचडी फुल व्यू ज़रूर है स्क्रीन। इसकी हम ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, ये इसकी फुल ब्राइटनेस है। चूँकि दोस्तों मेरा फ्लैश भी चल रहा है साथ तो इसलिए कुछ इस तरह से ये इसकी स्क्रीन आ गई है दोस्तों। तो जी दोस्तों इसके अंदर आपको मिलती है 4 GB रैम और 64 GB इसमें आपको रोम मिलेगा। आपको इसमें 13 MP का रियर कैमरा मिलेगा जो कि ड्यूल है। ड्यूल के मतलब आपको दो कैमरे देखने को मिलेंगे इसके अंदर। ये देखें, 1 2 MP का है और 1 13 MP का कैमरा है जो कि फोकस के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि आपको DSLR इफ़ेक्ट, पोर्ट्रेट मोड जिसे कहते हैं, वो आपको इसमें असर आएगा। इसके कैमरे के साथ फ्लैश लाइट भी है जो कि ड्यूल फ्लैश है और फ्रंट के साथ सिंगल फ्लैश लाइट है। जी दोस्तों इसका मैं आपको कैमरे का रिज़ल्ट दिखाता हूँ। दोस्तों मैं निहायत ही स्लिम सेट है, इसमें आपको एक ऑडियो जैक 3.5 mm का मिलेगा। आपकी राइट साइड वाले राइट साइड पर आपको मिलेंगे वॉल्यूम बटन और पावर बटन। नीचे आपको एक स्पीकर मिलेगा और एक माइक्रो USB की पोर्ट मिलेगी और साथ ही उसके माइक मिलेगा। और दोस्तों लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगा सिम जैकेट। ये स्लिम फ़ोन है, ये देखें, ये इसका बैक है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, एक्वा ब्लू कहलाता है ये कलर। दोस्तों इसमें फ़ीचर्स की बात की जाए तो फ़ीचर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। इसमें फेस अनलॉक है, इसमें फिंगरप्रिंट है और इसके अंदर एक दो मज़ीद चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। एंटी डिस्टर्बिंग फ़ीचर इसके अंदर है, जब आप गेम खेल रहे होंगे तो आपकी गेम को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब नोटिफिकेशंस वगैरह से डिस्टर्ब आपको नहीं करेगा। इसके अंदर आपको कीबोर्ड की थीम्स मिलेंगी, ये देखें, ये दोस्तों वाइब्रेशन, अब अगर आपने करना हो उसको, जब आप टाइप करेंगे तो आपकी वाइब्रेट होगा। आपको थीम चाहिए, आपको थीम मिलेगी। साउंड आपका लिखने के लिए, जब टाइप आप कर रहे होंगे तो उसके लिए आप साउंड लगा सकते हैं। थीम आप कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की भी कर सकते हैं। ये कुछ थीम्स हैं इसके अंदर कीबोर्ड की। इसमें आपको फ़ोन मास्टर भी मिलेगा जो आपकी मेमोरी को क्लीन कर सकता है, आपके टेम्प फाइल्स को क्लीन कर सकता है, CPU को कूल कर सकता है, फ़ोन को बूस्ट कर सकता है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं जो आपको मिलेंगी। दोस्तों बैटरी का मैंने इसमें आपसे जिक्र किया था कि बैटरी जो है इसकी 4000 mAh की बैटरी है जो कि नहायत बेहतरीन बैटरी है और मैं कल से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तकरीबन कल 10:30 बजे से सुबह मैंने तकरीबन 5 बजे तक ये सेट यूज़ किया है, तो अब भी तकरीबन मैं इसको 2 घंटों से यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी बैटरी अभी भी जो है वो 26% है और मैंने इसको फुल हाई पर यूज़ किया था। मैं आपको उसके ऊपर गेम भी चला के दिखा देता हूँ ताकि इसके प्रोसेसर का भी आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या चीज़ है क्या नहीं। ये 2 गेम्स मैंने फ़िलहाल की हैं। दोस्तों साउंड भी इसका बड़ा बेहतरीन है।
ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ज़रा से भी लैगिनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और दोस्तों मैं इतना प्लेयर नहीं हूँ, मैं खेलता नहीं हूँ उस गेम को। इसी तरह से टेंपल रन 2 को देख लेते हैं। जी दोस्तों, ये आपने देखी गेम बिल्कुल बेहतरीन चल रही है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसके प्रोसेसर के बारे में बताने जा रहा था, जो कि 430 स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का प्रोसेसर है, जो कि है तो थोड़ा सा पुराना मगर प्रोसेसिंग के हवाले से बहुत बेहतरीन और बहुत ही कमाल है। थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते थे, ये इनको चाहिए था कि अपने लेटेस्ट फ़ोन के अंदर कोई नया थोड़ा सा नया प्रोसेसर कोई लगा लें, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल ये डिवाइस अच्छी है, प्रोसेसर के हवाले से भी, रैम के हवाले से भी, कैमरा के हवाले से भी, और फीचर्स भी इसके अच्छे हैं। बैटरी टाइमिंग तकरीबन 2 दिन इसकी, तकरीबन 2 दिन तक चली जाएगी इसकी, और गेमिंग पर भी बैटरी टाइमिंग इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी है, वीडियो पर भी। तकरीबन ओवरऑल अगर मैं इस फ़ोन को देखूँ तो ये फ़ोन मुझे बहुत पसंद आया है। दोस्तों ये फ़ोन मैंने ख़रीदा है Daraz.pk से 25,500 कुछ रुपए का। जी 25,500 कुछ रुपए का। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक्स और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आपका वीडियो देखने का शुक्रिया दोस्तों। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।